बाहर का सीन देख के ऐसा लगता नहीं है कि 6 बज चुके हैं। मेरी नजर उस पे है कि कहीं ये दूर ना चली जाए। हैविंग प्रॉब्लम विद हर सैंडल। देखो कैसे गुस्सा के लेट गई है यहीं पे। इससे बड़ी तो हो जाओ इशु। मेरा सो प्लांट जिसको मैं पानी देना मैं फिर से भूल गई हूँ। किस दे दो? शो स्वीट लालची लड़की। एक बस बस हो गया बंदर। मैं लेके आई। फाइनली इट्स डन। आंटी बोलती थी चाय पी लो फ्रेंड्स। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो शाम के बज चुके हैं। बाहर का सीन देख के ऐसा लगता नहीं है कि 6 बज चुके हैं, लेकिन 6 ऑलरेडी बज चुके हैं। मैं बैठी हूँ बालकनी में अभी। इशु को बहुत देर तक घर के अंदर रखने के बाद क्या होता है ना कि ये थोड़ी देर के बाद रोना स्टार्ट करने लगती है कि नहीं मुझे घुमाओ दिखाओ, और ऊपर से इसके पापा भी नहीं है तो ये अपने पापा को ढूंढने लगती है। तो दैट्स वाई मुझे क्या करना पड़ता है कि इसको थोड़ी देर बाहर में घुमाना पड़ता है। मैं यहीं पर बैठी हुई रहती हूँ और ये बाहर थोड़ा सा रोड साइड है, तो ये मोहल्ला है तो ये थोड़ा सा साइड में है, तो यहीं पे मैं इसको खेलने दे देती हूँ कि तुम यहीं पे खेलो इधर उधर, मैं यहीं पे बैठ के इसको देखती रहती हूँ। तो मैडम हमारी खेल रही है और मेरी नज़र उस पे है कि कहीं ये दूर ना चली जाए। सी इज हैविंग प्रॉब्लम विथ हर सैंडल। इसको अभी बुला के लाई हूँ ताकि तुम अपना पहले सैंडल पहनो, देन फिर खेलने जा सकती हो। साकिल लेट गई है यहीं पे कि नहीं जाने दोगी खेलने, तो मैं यहीं पे लेट जाऊंगी, है ना? अभी अच्छे से बड़ी तो हो जाओ इशु, देन उसके बाद गुस्सा करना। अभी नहीं बड़ी हो आप, अभी आप गुस्सा करने के लायक नहीं हो। चलो उठो, पहनो सैंडल, पहनो। घूमी घूमी नहीं जाना, नहीं जाना तुम्हें। ठीक है तो मैं अकेली चली जाती हूँ, बाय। मैडम को कोई असर नहीं हो रहा है, इसे कोई मतलब नहीं। पापा अभी यहाँ पे नहीं है, पापा आएंगे। चलो पहले उठो सैंडल पहनो एंड देन फिर पापा के पास चलेंगे। चलो उठो, उठ जाओ। Yes, उठो उठो। गुड गर्ल। पाओगी? कभी कभी ये खुद से ही पहन लेती है, देखो देखते हैं अभी खुद से पहन पाती है कि नहीं। Yes, good girl. अरे वाह, आप तो बहुत कुछ जानते हो इशु, आप तो बहुत कुछ सीख गए। इशु इधर देखो, इशु इसका अभी भी प्रॉब्लम चल ही रहा है। Yes, done. चलो जाओ खेलो, फिर से आप जा सकते हो। इसको अपने बिस्किट से मतलब, यहीं पे रहना, दूर नहीं जाना। इशु क्या खेल रही हो? घुम्मी घुम्मी खेल रही है अकेले ही एंड अपने पापा का भी वेट कर रही है। तब से नहीं आए हैं पापा। हाँ है बुआ, देखो बुआ, उसे वो लड़की बुआ बोलती है। बड़ा वाला चींटी है बेटा, बुआ नहीं है। इशु देखो मेरे पास आके बैठ गई। खेलना नहीं है, नहीं खेलना है। ये बाल में अधिकतर ऐसे बाल नहीं रखती हूँ। मेरा क्लेचर पता नहीं कहाँ खो गया है। मैं पता नहीं क्लेचर कहाँ खोल के मैंने रख दिया, उसके बाद अभी तक मिल ही नहीं रहा था। तो वहाँ पे घर पे मैंने बहुत सारे क्लेचर रखा है, बट मैंने यहाँ पे मैं लाई थी, 2 क्लेचर लेके आई थी। एक क्लेचर बेड के अंदर मैडम ने घुसा दिया है, जो कि निकालना इम्पॉसिबल ही है। पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है गाइस। क्लेचर मेरी वजह से खोया है, जो कि आज खोया है, मिल ही नहीं रहा है कहाँ पे रखा है। शायद मैंने छत पे कपड़े सूखने दिए हैं, शायद उसी कपड़ों में रह गया, आई थिंक, मुझे लगता है। तो मैं शाम को जाऊंगी कपड़े उठाने, तो देखती हूँ वहाँ पे मिलता है कि नहीं। तब तक बाल मुझे ऐसे ही रखने होंगे, इतनी गर्मी में बाल खुले रखना सबसे मुश्किल काम है ये। एंड ये रहा मेरा सो प्लांट जिसमें पानी देना मैं फिर से भूल गई हूँ 2 दिन से, क्योंकि 2 दिन से मैं यहाँ पे थी ही नहीं, घर चली गई थी, और 2 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा सूख गया है। आज मैंने हल्का सा पानी दिया हुआ है, फिर कल दूंगी, क्योंकि आज मुझे दोपहर को याद आया पानी देने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है ना कि कोई भी प्लांट में अगर पानी देना है आपको तो वो धूप के टाइम मत दो, क्योंकि वो धूप से गर्म रहता है, और गर्म के टाइम उसे पानी दोगे तो वो और ज़्यादा उसके लिए डेंजरस होता है। दैट्स वाई मैंने अभी तक ज़्यादा पानी नहीं दिया है, बस हल्का सा पानी दिया है, और हो सकेगा तो रात को दे दूंगी, नहीं तो कल फिर इसको पेट भर के इसको मैं पानी पिलाने वाली हूँ। दूर मत जाना। अरे टाटा, देखो देखो मुझे घर में लॉक करके टाटा करके जा रही है यार, इतनी बदमाशी मत किया करो, मम्मा को ही लॉक कर दोगी घर पे। मेरा पैर है, मेरा पैर है, मैं नहीं लॉक होने दूंगी। फ्लाइंग किस, वाओ, बाय बाय। देखो इसका फ्लाइंग किस देख लो गाइस। ईशु मुझे फ्लाइंग किस दे रही है। से हाय टू एवरीवन, पहले हाय बोल दो। किस दे दो? शो स्वीट लालची लड़की। कार्टून का बात मैंने बोला तब जाके ये मुझे फ्लाइंग किस देती है। बदमाश लड़की है, खेलते खेलते आके थक गई, तो देखो मेरे पास आके सो गई। तो जरा से स्माइल कर दो,
ये पाउच बना रही है पाउच। बहुत मच्छर है, चलो चलो जल्दी जल्दी, बहुत मच्छर है बाहर गाइस, बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही मच्छर है, चलो जल्दी से अंदर। टाटा तुम किसको कर रही हो, वहां पे तो कोई है नहीं, तो टाटा किसे कर रही हो? टाटा घर में आने के बाद ही मुझे ही टाटा बोल रही है फाइनली। वो घर तो घर ही होता है, घर आने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट कि घर के अंदर के जैसा सुकून ना आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता, आप कहीं पे भी जाके देख लो, क्यों ना लग्जीरियस लग्जीरियस होटल में आप जाके रहो, लेकिन वो घर ही है जहाँ पे आपको प्योरली अंदर मतलब इंटरनली आपको सुकून मिलता है। हम जा रहे हैं गाइस छत पे, ये स्विच उल्टा ही है, चलो चलो देखते हैं मेरा क्लेचर छत पे है कि नहीं कपड़ों के पास। एक्चुअली मैं जब यहाँ पे कपड़े सूखने दे रही थी तो उसी टाइम मैंने अपना क्लेचर यहाँ पे इसी बेडशीट पे नीचे लगा दिया था, लेकिन अभी इतना ढूंढ रही हूँ तब से नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला। ऐसा किसी के साथ हुआ होगा कि जब कोई भी चीज जरूरत हो ना उस टाइम वो कभी नहीं मिलती, क्लेचर नहीं मिला। अब ये खोजबीन जारी रहेगी। जो ये रूम देख रहे हो ना, ये टेरेस पे एक रूम है, ये एक तरह से स्टोर रूम है, इसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा भरा हुआ है, मतलब पूरे घर का कूड़ा कचरा इसी रूम में रखा हुआ है। बस बस हो गया बंदर, हाँ तीती तीती एक भी नहीं है। और आसमान, ओ माय गॉड कितना क्लियर आसमान है, मतलब बारिश का सीजन चला गया, मॉनसून 5-6 दिन तक रहा लेकिन अब मॉनसून नहीं है अभी फिलहाल। चलो लेट नहीं करते हैं एंड चलते हैं नीचे क्योंकि अंधेरा हो रहा है। आजकल के बच्चे खुद तो डरेंगे नहीं, मम्मा को ही ये डराती है। हम नीचे आ ही चुके थे और ईशु के पापा भी आ गए। आज बहुत ज्यादा गर्मी थी, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी थी, पता नहीं शायद मॉनसून आने वाली है फिर से इसीलिए। एंड ये रास्ते से भुट्टा उठा के लेके आ गए थे, बहुत अच्छा भुट्टा था, मतलब बहुत दिनों के बाद इतना सॉफ्ट वाला भुट्टा मैं खाई हूँ, तो इनको जहाँ भुट्टा दिख जाए ना तो आगे का रास्ता तो दिखता ही नहीं है। खाने में तो बड़ा मजा आता है लेकिन भुट्टा छीलने में बहुत गंदा लगता है, पर्सनली मुझे गंदा लगता है, बाकियों का पता नहीं, कोई भुट्टा को छील के दे दे तो फिर मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहती थी। इतना बच्चा कॉर्न है, इसके बीज जो हैं अभी भी वाइट ही हैं, कुछ ज्यादा ये बेबी कॉर्न टाइप का लग रहा है। हमारी इशू आ गई है निगरानी के लिए कि मम्मा क्या कर रही है, सही से कुक कर रही है कि नहीं, क्या चाहिए, भुट्टा चाहिए, पकने तो दो। वो चीज खाने में टेस्टी ज्यादा होती है, वो चीज खाने बनाने में उतनी ही टाइम लगाती है। लिटरली मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक दो भुट्टा भी मेरा नहीं पका हुआ है। उसका एक रीजन ये है कि मैं लो फ्लेम में पकाती हूँ। एंड ये रहा हमारा भुट्टा, तो इसको मैंने बहुत ही लो फ्लेम में पकाया है, और लो फ्लेम में जब आप भुट्टे को पकाते हो ना तो उसका टेस्ट दो गुना बढ़ जाता है, आप लोग ट्राई जरूर करना इसको। एक डायलॉग था ना जिसमें एक आंटी बोलती थी चाय पी लो फ्रेंड्स, तो उसी तरह आज मैं आप लोगों को ऑफर दे रही हूँ। और ये देख रहे हो कांच का ग्लास, मैंने आज चाय कांच के ग्लास में लिया है इंस्टेड ऑफ कप, क्योंकि हमारे यहाँ परसों है जन्माष्टमी, और क्या होता है ना हमारे यहाँ की जन्माष्टमी के एक दिन पहले नियम वाला खाना खाना होता है, तो कल पड़ जा रहा है बृहस्पतिवार, तो दैट्स व्हाई आज ही मुझे बाल धोना पड़ गया, तो मुझे नियम आज से ही करना पड़ रहा है। तो मैं कप यूज नहीं कर रही हूँ चाय के लिए, क्योंकि चाय पी लेते हैं बाद में गप्पे करते हैं, और मैडम आ गई है मुझे कंपनी देने के लिए, चाय तो ऑलवेज मैं अच्छा बनाती हूँ। सो गाइस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय।